एक खबर के बाद से ही तहलका मचा हुआ है दोस्तों। हालांकि उस खबर के सामने आने की वजह क्या रही ये ज्यादातर सब जानते ही हैं, सबको पता ही है कि आखिर क्या वजह थी, मगर फिर भी असल वजह जानने की उत्सुकता इस खबर को लेकर सब में है। बात को ज्यादा घुमाऊंगी नहीं दोस्तों, सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये खबर जुड़ी हुई है देश के कानून मंत्री यानी किरण रिजिजू से, जो कि अब कानून मंत्री नहीं है। किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय छीन लिया गया है और उनको एक दूसरा मंत्रालय सौंप दिया गया है दोस्तों। जाहिर है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से लेकर वर्तमान जजों पर टिप्पणी, रिटायर्ड जजों पर टिप्पणी कि उनको किस तरीके से गलत शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल करना, इसी को इस फैसले के पीछे की वजह माना जा रहा है दोस्तों। मगर राजनीतिक गलियारों में आखिर किन वजहों की चर्चा है, बीजेपी ने ये निर्णय क्यों लिया, मोदी सरकार ने ये निर्णय क्यों लिया, ये आपको इस खबर में हम बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। किरण रिजिजू से न्यायपालिका के मतभेद, उनके तमाम टिप्पणियां, उनके बयान, जजों पर टीका टिप्पणी, चाहे फिर वो रिटायर्ड जज हों, चाहे फिर वो वर्तमान जज हों, उन्हें देश के खिलाफ बताना, इन तमाम मामलों ने बीते दिनों ताबड़तोड़ तूल पकड़ा दोस्तों। इन सभी मुद्दों को बड़ी वजह माना जा रहा है किसके पीछे, किरण रिजिजू से उनका मंत्रालय छीनने के पीछे, कि कानून मंत्रालय आखिर उनसे क्यों छीना गया। मगर अमर उजाला ने कौन सी तीन वजहों पर गौर फरमाया है दोस्तों, वो आपको बताते हैं ताकि आपको थोड़ी सी इनसाइड स्टोरी पता चल सके कि आखिर ये इतना बड़ा फैसला एकाएक कैसे ले लिया गया। इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपको अमर उजाला की खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक अमर उजाला ने इस फैसले के पीछे तीन वजह बताई है। तीन वजह क्या है वो सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये वजह क्या क्या रही है और विश्लेषण क्या है। न्यायपालिका की लड़ाई को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना, पहली वजह। दूसरी वजह, कानून मंत्री के बयान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले। और तीसरी वजह, अरुणाचल और राजस्थान चुनाव पर फोकस। अब एक एक करके इन वजहों का विश्लेषण बताने की आपको कोशिश करते हैं। अमर उजाला ने लिखा है दोस्तों, पहली वजह कि सरकार और न्यायपालिका के बीच लड़ाई कोई पहली दफा नहीं हुई है। यानी अगर ये मान लिया जाए कि किरण रिजिजू और न्यायपालिका के बीच लड़ाई थी तो इसीलिए उनको हटा दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। इसके पहले भी कई बार ये क्लैश जो है ये हो चुका है। आमतौर पर होता यह है कि न्यायपालिका और कानून मंत्री यानी सरकार के बीच अंदर खाने ही जो लड़ाई होती है वो शांत हो जाती है, लेकिन किरण रिजिजू के मामले में ऐसा हो नहीं पा रहा था। कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर किरण रिजिजू लगातार न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे थे। सार्वजनिक तौर पर यानी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो न्यायपालिका और न्यायाधीशों को लेकर तंज कस रहे थे और तरह तरह के तंज कस रहे थे, तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे थे। इससे न्यायपालिका और सरकार के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ने की संभावना ज्यादा हो गई थी दोस्तों, और इतने दिनों में भी ये दूरियां बहुत बढ़ी हैं। इससे पहले साल 2018 की बात बताई है अमर उजाला ने कि न्यायपालिका और सरकार के बीच की लड़ाई सड़क पर आ गई थी। तब हुआ ये था कि देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े किए सरकार पर। तब कानून मंत्री कौन थे? रविशंकर प्रसाद साहब। उनसे भी कानून मंत्रालय छीना गया था, रिजिजू साहब को दिया गया था। 2 साल बाद उन्हें हटाया गया था दोस्तों, किरण रिजिजू को जिम्मेदारी दी गई थी। और अब आप देख सकते हैं कि रिजिजू साहब इसी चक्कर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ये नहीं चाहती शायद कि 2024 के लोकसभा चुनाव में न्यायपालिका से सरकार के बीच कोई मतभेद हो, और इसीलिए ये संभव हो सकता है कि रिजिजू साहब का मंत्रालय जो है वो बदला गया है, चेंज कर दिया गया है। दूसरी वजह समझिए, दूसरी वजह, कानून मंत्री रहते हुए किरण रिजिजू लगातार न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे थे। पहली वजह थी कि वो सड़क पर आ गई थी लड़ाई, अब सवाल उठा रहे थे। न्यायपालिका इस मसले पर गंभीर थी। पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले आ चुके हैं जो कि सीधे सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ ही रहे। ऐसे में अगर रिजिजू और न्यायपालिका के बीच का ये जो विवाद है ये आगे भी जारी रहता तो ये संभव था कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार को ज़्यादा फजीहत का सामना करना पड़ सकता था दोस्तों। अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं, इसीलिए संभव है कि सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यही कारण हो सकता है कि यहाँ सीधे
अनिवार्य तौर पर किरण रिजिजू को हटाया गया। तीसरी वजह सुनिए, तीसरी वजह को समझने की कोशिश कीजिए। अगले साल अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, ऐसे में संभव ये था कि तैयारियों के लिए किरण रिजिजू को समय नहीं मिलता, कानून मंत्री रहे हैं तो उनको फ्री किया गया है, ऐसा अमर उजाला ने लिखा है। अब कानून मंत्री रहते हुए वो ज़्यादा समय अरुणाचल प्रदेश में नहीं दे पाते, वहाँ के जाहिर है कि वहाँ के नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो कर्नाटक में हार के बाद भाजपा कोई नया रिस्क नहीं लेना चाहती है। अब हो सकता है कि किरण रिजिजू को अरुणाचल प्रदेश पर ज़्यादा फोकस करने के लिए ज़्यादा फ्री जो है कर दिया गया हो कि आप फ्री हो जाइए और आप वहाँ पर ध्यान लगाइए। दूसरी तरफ जिनको अब मंत्री बनाया गया कानून मंत्री, इसी साल राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और वो वहीं से आते हैं। रिजिजू बौद्ध धर्म से आते हैं और अर्जुन राम मेघवाल अनुसूचित जाति से आते हैं। अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा सांसद है, तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। संभव यह है कि एक तरफ रिजिजू को फोकस अरुणाचल प्रदेश पर करने के लिए बोला गया हो और राजस्थान पर जो पूरा फोकस है वो विधानसभा चुनाव में मेघवाल की पदोन्नति करके भाजपा राजनीतिक फायदा उठाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, पूरी पूरी उम्मीद कर रही है दोस्तों। अब कुछ लोगों ने इस पूरे मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दिया दोस्तों। जैसे ही ये मामला सामने आया था राजनीतिक गलियारों में आग की तरह फैल गया, पत्रकारों से लेकर राजनेताओं तक सब ने इस पर अपनी राय रखी है। श्रीनिवास बीवी ने लिखा है कि किरण रिजिजू कानून मंत्री होने के अकड़ में अक्सर न्यायपालिका को चुनौती देते नजर आ रहे थे और जजों की नियुक्ति के तरीके को बदलना चाहते थे, मोदी जी ने उन्हें ही बदल दिया। अब बड़बोले रिजिजू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का जिम्मा संभालेंगे, अब पृथ्वी और विज्ञान को चुनौती देंगे। तो यहाँ सीधे तौर पर उनके मंत्रालय पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनको मंत्रालय सौंपा भी गया है तो क्या मंत्रालय सौंपा गया है, उनका जो कद है वो अब कम हो गया है, अर्जुन राम मेघवाल का कद बढ़ गया है। सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि न्यायप्रियता का प्रतीक बने CJI डीवाई चंद्रचूड़ के प्रति जनमानस के बढ़ते विश्वास ने तानाशाही पर लगाम लगाई है। LG दिल्ली और शिवसेना केस में आए निर्णयों से, फैसलों से सरकार की स्वेच्छाचारिता पर लगाम लगी है। SC के डर ने पूर्व जजों को राष्ट्रद्रोही गैंग कहने वाले बड़बोले कानून मंत्री को भूमि विज्ञान पहुंचा दिया। CJI डीवाई चंद्रचूड़ को सलाम। अनिल पटेल ने आगे लिखा है कि CJI चंद्रचूड़ जी को सलाम। भारत के संविधान में पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले से देश के नागरिकों का विश्वास बढ़ गया है, इसी डर से पूर्व जजों को राष्ट्रद्रोही गैंग कहने वाले और कॉलेजियम को लेकर कई तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले बड़बोले कानून मंत्री किरण रिजिजू को हटा दिया गया है। आगे इन्होंने अर्जुन राम मेघवाल के लिए भी लिखा है दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि भाभी के पापड़ वाले देश के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। तो यहाँ पर उनको भाभी के पापड़ से क्यों चढ़ाया जा रहा है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि कोरोना के समय में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और उन्होंने भाभी के पापड़ का प्रचार किया था, वो वीडियो अभी भी वायरल हो रहा है। सूर्य प्रताप सिंह अपने दूसरे ट्वीट में लिखते हैं कि क्या सच में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बने पापड़ ब्रांड का प्रचार करते हुए अपने देश के नए कानून मंत्री, इतनी गैर वैज्ञानिक सोच, संविधान और कानून के रक्षक की, कह दो कि ये झूठ है। तो लोग इस वक्त अच्छी तरीके से इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है दोस्तों। अब जो वजह हमने आपको बताई है किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय छीनने की, उस पर आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।